तो कैसे हैं दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि समर सेविल लगेगा आज इस्लाम के घर में। तो चलिए देखते हैं समर सेविल किस तरीके से लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे गांव का ज़्यादा ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बिजली नहीं आ रही है और गर्मी से बुरा हाल है, तो मैं आपको दिखाऊँगा। और देखिए कुछ इस तरीके से पीछे मेरे इसमें चक्रोड में पानी भरा पड़ा है रास्ते में, तो रास्ता भी बहुत ख़राब है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, भीड़ क्यों इकट्ठा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ तो ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों आज गांव का ट्रांसफार्मर हो गया है ख़राब, तो गांव में बिजली नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम इसको नज़दीक से जाकर देखेंगे और आप लोगों को भी मैं इसे नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा और देखने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है और कब तक ये ठीक हो जाएगा। तो लैंडमैन भी आ चुके हैं और कुछ गांव वालों के सहयोग से ट्रांसफार्मर को ठीक किया जा रहा है जो भी इसमें खराबी थी। चलिए दोस्तों जब तक ये इसको ठीक करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इस्लाम के समर सेविल का सामान आया कि नहीं आया। और वो रिक्शा में समर सेविल का सामान कुछ आ चुका है, कुछ पाइप आ चुके हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितने पाइप हैं। तो लगभग 5.5 पाइप हैं जो 110 फुट की गहराई नापते हैं। और रिक्शा में सामान आ गया है तो रिक्शा आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे रास्ता जो है तो वो ख़राब है। देखिए नाली बहुत गहरी बनी हुई है तो रिक्शा यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी, तो इसलिए सामान को यहीं उतारने की कोशिश करेंगे और सामान को एक एक करके अंदर ले जाएंगे। तो कुछ लड़कों की मदद से इन पाइप को अंदर उठा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये भाई जो है पीछे सुंडा पाइप उठाकर ले आए हैं जो समर सिविल में अंदर जाएगा मोटर के साथ। अरे बुक्की गिर अंदर, तो इसमें से लिखड़ा पत्थर। अरे थैली से खजाना लिख लेगा, मोटा मोटा पत्थर। तो फाइनली दोस्तों समर सेविल का जो बोरिंग है तो वह करीब करीब पूरा हो चुका है। 2-4 बोकी इसके अंदर और लगेंगी ताकि पाइप अच्छे से नीचे बैठ जाए। वाह भाई वाह, धरनाटे काट के रहे भैया समर सेविल ने तो। ओ भाई बंद करते बंद करते बंद करते, वो बह गए सारा रास्ता बह गया वो समर सेविल, बंद करते भाई।